हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आप सभी का मेरे चैनल ऑल इन वन विद रश्मि में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, अभी हम बहुत ही कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं। सब तरफ लॉकडाउन हो चुका है, हम सबको होम क्वारंटाइन करके रखा हुआ है। हमने कभी सोचा भी नहीं था दोस्तों कि हमें हमारी लाइफ में इतना कठिन समय देखना पड़ेगा। तो आइए आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी जिससे कि हम हमारे इस होम क्वारंटाइन को एक बेहतर समय बनाने की कोशिश कर सके और हमारे इस समय को एक पॉजिटिव समय में बदल सके। नंबर वन, एक्सरसाइज। दोस्तों, कभी भी मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आपको अच्छा लगे, आपके लिए 1 या 2 घंटा एक्सरसाइज के लिए फिक्स कर लीजिए। इसमें आप कोई भी एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, जुम्बा, डांस, एरोबिक्स, प्राणायाम, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे करिए, जिससे आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली हेल्दी पाओगे और फिट महसूस करोगे। नंबर दो, टाइम टू स्टडी। हम जानते हैं दोस्तों, हमारे बच्चों ने साल भर खूब पढ़ाई की और लास्ट में हमें पता चला कि उनकी एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, लेकिन हमें यह भी पता चला है कि हमारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास का कोई भी सब्जेक्ट जो आपके बच्चे का फेवरेट हो या जिसे आप अच्छे से पढ़ा सकते हो, जिसमें आपकी कमांड अच्छी हो, वो उसे आज से पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि उसका मोबाइल टीवी का टाइम बढ़ रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो ऐसा करने से आप उसके स्क्रीन टाइम को एक क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि बच्चे की पढ़ाई का कुछ लॉस हुआ है। नंबर थ्री, प्रेयर। जी हाँ दोस्तों, प्रेयर। आपके चाइल्डहुड की कोई भी प्रेयर या आपके बच्चों की स्कूल की कोई भी प्रेयर जो आपको अच्छी लगती है, वो प्रेयर आप डेली 15 से 20 मिनट कीजिए। मेडिटेशन करिए, चैंटिंग करिए। इससे क्या होगा कि आपके घर में एक पॉजिटिविटी का वातावरण का निर्माण होगा, एक पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी आपके घर में, जिससे आपको मेंटली और आपके मन को भी शांत लगेगा। नंबर चार, क्रिएटिविटी। जी हाँ दोस्तों, क्रिएटिविटी में आप कुछ भी कर सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कुकिंग, पेंटिंग, कुछ भी जो आप बरसों से करना चाह रहे थे पर बिजी शेड्यूल के कारण नहीं कर पाए, तो अब आपके पास बहुत समय है, आप उसे कर सकते हैं। घर में ही जो भी इजीली अवेलेबल है, आप उससे कुछ भी अच्छा क्रिएटिव कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ छोटे छोटे आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स बनाइए, एक्टिविटीज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब दिन भर बोर हो जाओगे, तो आपको उत्साह आएगा कि मुझे आज घर में से कुछ ढूंढ कर कुछ क्रिएटिव करना है। तो इन सब चीज़ों से आपका जो समय है, जो हम बुरा समय अभी बिता रहे हैं, उसे हम पॉजिटिव और कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये सभी टिप्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं सभी से आशा करती हूँ कि हमारी लाइफ जल्द से जल्द कोरोना फ्री लाइफ हो जाए। तब तक दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।